हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं प्याज का। तो यहाँ पर देखिए, प्याज को इस तरह से गोल गोल कटिंग करके रख लेना है और इसे अच्छी तरह से धो लेना है। ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक चम्मच बेसन लिए हैं, उसमें नमक, हल्दी पाउडर, गुड़की पाउडर, ये सारे मसाले जो होते हैं ना, वो सारे मसाले इसमें मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह से इसे घोल तैयार कर लेना है। और ये मसाले तो घर पर ही रहते हैं, तो इसे आप आराम से आसानी से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सारे मसाले को डाल के इस तरह से घोल तैयार किए, थोड़ा थोड़ा पानी करके। इतना गाढ़ा है आपको घोल को तैयार करके रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पतला नहीं करना है, इस टाइप का घोल तैयार करना है। और जो प्याज हम गोल गोल कटिंग किए हैं, तो यहाँ पर देखिए रिंग जैसा जो कटिंग किए हैं, उसको इस तरह से डिप करना है और इसमें पूरा लग जाना चाहिए, ऐसा डिप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, रिंग जैसा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल डाल के उसे गर्म कर लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से रिंग बना के अगर आप खाएंगे तो आपको चावल के साथ, रोटी के साथ, दोनों के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल जो डाले हैं, सरसों तेल डाले हैं, वो गर्म हो गया है। अब एक एक करके सारे हम प्याज के रिंग को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो अगर आप इस तरह के पकौड़े नहीं बनाए होंगे तो ज़रूर एक बार बनाइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है नई नई रेसिपी देखने के लिए। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से रिंग जैसा ये पकौड़े तैयार हो गए। आप बहुत तरह के पकौड़े खाए होंगे, जैसे आलू का, फूल गोभी का, कद्दू का, बहुत तरह के पकौड़े बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम प्याज का पकौड़े बनाए हैं, वो भी रिंग जैसा। तो यहाँ पर ये देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से सारे पकौड़े हम आपको बना के पूरा दिखाते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको सॉस के साथ खाना तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से झंझरा को करिएगा तो सारा तेल जो थोड़ा बहुत उसमें रहता है वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारे जो है रिंग वो बन के तैयार हो गया है। इस तरह से प्लेट में हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको रिंग वाले पकोड़े मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।